आखिरकार पेंशन भोगियों ने जीती ओआरओपी जंग। जी हां, आपने सही सुना, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी की आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सभी पेंशन भोगी और पेंशन धारकों को पता होगा कि आज 13 तारीख को दिनांक सुनवाई थी। आप लोगों को चलिए लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस तरह का फैसला निकल के आया है। सभी पेंशन धारक और पेंशन भोगी हमारे जंतर मंतर पर अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है एमएसपी और ओआरओपी 2, जिसपे आज ये पता चलेगा कि क्या सरकार 15 मार्च से पहले एरियर देने के लिए है या फिर 31 मार्च से पहले देगी या फिर 4 किस्तों में। तीन बात सामने निकल के आएगी, चलिए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बगल में एक छोटी सी घंटी है ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं मैं और आप सभी को बता दूं 4830 डायरी नंबर है 4830। आप भी अपने जिस भी वेब में या फोन में या किसी भी ब्राउजर में देख रहे हैं डाल के केस का स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी तमाम भूतपूर्व सैनिकों को बताऊंगा, आज हमारी केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा आखिरकार इंस्टॉलमेंट में क्यों दिया गया एरियर। सुप्रीम कोर्ट ने मारी पटकार 27 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार को, जहां पे ये निकल के आया निष्कर्ष पूर्व सैनिकों को मतलब हमारे पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए उनका एरियर। पर एरियर मिलने से पहले हमारे पेंशन भोगियों की कुछ मांगे हैं, जैसे एमएसपी है और ओआरओपी पर विसंगतियां हैं, वन रैंक वन पेंशन पर जो विसंगतियां हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वेरिएशन है, उसको दूर किया जाए। सभी पेंशन भोगी ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप केस स्टेटस देखेंगे तो यहां पे 13 मार्च 2023 आज के दिन आपको सुनवाई हो रही है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 99.9% चांस है कि भूतपूर्व सैनिकों के हक में निर्णय निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को यहां पे साफ-साफ आदेश था भूतपूर्व सैनिकों को जल्द से जल्द 15 मार्च से पहले उनका संपूर्ण एरियर, जो काफी बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हुआ, अब नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। मैं आगे बता दूं कि जितने भी पेंशन धारक और पेंशन भोगी जो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, वो काफ़ी डिमांड रखे हैं सरकार के सामने काफ़ी लंबे समय से, जो एमएसपी पे भेदभाव या फिर जो उनके रैंक के साथ या फिर उनकी एरियर के साथ या फिर कम एरियर जिनको मिल रहा है, वो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। चलिए वो भी देखते हैं विस्तार से। इस वक्त में एक ऑफिशियल लेटर हमारे पास आ गया है इंडियन एक्सोलिस मूवमेंट का, देख सकते हैं 11 मार्च 2023 का ये लेटर है, जिसमें यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन की जो गतिविधियां हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो निकाल के मतलब दर्शाई गई है कि ओआरएस एंड जेसीओस को कितना एक्सपी और वाईपी को कितना डिस्क्रिमिनेशन, कितना वेरिएशन देखा गया है। साथ ही में इंडियन वेटनर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और अपनी विसंगतियों को दूर किया गया है। विषय ओआरओपी 2 में विसंगतियां, जो एनोमलीज, जो डिस्क्रिपेंसीज आई है, उस पर महत्वपूर्ण एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास ज्ञापन निकल के आया है जो 10 मार्च का है, जिसमें विसंगतियों को दर्शाया गया है ओआरएस एंड जीसीओस का क्या क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि 97% सैनिक में हवलदार तक थोड़ी राशि दी गई है, लेकिन दुखद बात यह है कि जेसीओस एंड एससीओस को हिस्से में कुछ नहीं आया है, बल्कि पेंशन में बढ़ोतरी, ये जो पेंशन में बढ़ोतरी के बजाय घटाया गया है, जो कि स्वतंत्र भारत में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ, देख सकते हैं काफी अपने हमारे सैनिक नाराज हैं, जल्द से जल्द मांगों पे उतरेगी सरकार और हम चाहते हैं कि एकजुट होकर अपनी आवाजों को बुलंद करें और जल्द से जल्द हमारे हक में न्यूज निकल के आए। कोई भी अपडेट होगा मैं सबसे पहले बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।